तो हाय फ्रेंड, जैसे कि राशन कार्ड की बहुत बड़ी न्यूज है और सभी को आपको पता है कि जो है ये वापस हो रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप पहले सही जानकारी कर लो। ऐसा ना हो कि आपको सही जानकारी नहीं हो और आप राशन कार्ड वापस कराओ यानी कि निरस्त करवा लो और बाद में पता चले कि फिर आपका राशन कार्ड कभी भी नहीं बनेगा। और ये मैंने डायरेक्ट बात की है जो खाद्यान्न विभाग होता है, यानी कि जो राशन कार्ड का जो विभाग होता है डायरेक्टली उससे बात की है और वो मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। आप बेमतलब में वापस मत करवा लीजिएगा। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तब आप कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। देखिए, जिसके पास 5 एकड़ जमीन है यानी कि 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उन लोगों को वापस कर देना है यानी कि उसको निरस्त करवा लेना है और ये आपको खुद करवाना होगा। अगर आप निरस्त खुद जाके नहीं करवाते हैं तो फिर आपको जब टीम पकड़ेगी तो वो आपसे जुर्माना वसूलेगी। अब वो क्या होगा वो बात की बात है। फिलहाल मैं झूठी खबर नहीं कहता कि मैं कह दूं कि वो इतना वसूलेंगे, ये सब झूठी बात है, जो है रियल है। उसके बाद दूसरा, आपके पास कार या ट्रैक्टर यानी कि मतलब फोर व्हीलर है या फिर कोई ट्रैक्टर है तो भी आप इसकी कैटेगरी में आते हो। और अगर आपके पास, एक और सबसे बड़ी बात, मोटरसाइकिल का बहुत ज़्यादा अफवाह फैली हुई कि वाकई में क्या मोटरसाइकिल जिसके पास है उसको इसको निरस्त करवाना चाहिए या फिर उसका जो है निरस्त हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने स्पष्ट जब बात की है तो वो लोग बताए हैं कि मोटरसाइकिल में सिर्फ बुलेट गाड़ी अगर आपके पास है तब आपको निरस्त करवाने की जरूरत है। अगर नॉर्मली मोटरसाइकिल हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुलेट एक बड़ी गाड़ी में आ जाती है, पैसे वालों की गाड़ी में। उसके बाद एसी है तो भी आपका निरस्त होगा। और अगर आपके पास पक्का मकान है, अब पक्का तो सभी रहते हैं भाई पक्के मकान में, अब वो कौन सी कैटेगरी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका मकान 100 स्क्वायर फिट में बना हुआ है, वो भी पक्का मकान है, कच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं, कितने में भी बना लो, अगर पक्का मकान है जैसे VIP जो मकान होते हैं अगर उस कैटेगरी का है तो फिर आपको यहाँ पर वापस कर देना है। या फिर जिन लोगों का पुराना मकान है, कुछ लोग कहेंगे कि हमारा तो साहब बहुत पुराना मकान है, पुरखों का है और वो जो है भले ही 100 स्क्वायर फिट से ज़्यादा में भी बना हो तो कोई दिक्कत, क्योंकि वो पुराना मकान है, नया मकान नहीं होना चाहिए, पक्का नया वाला। उसके बाद सरकारी नौकरी की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे तो वो चपरासी हैं या फिर कोई 4th क्लास में है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी सरकारी अगर उसको तनख्वाह मिलती है तो 100% उसको वापस करना ही होगा, वरना आपको दंड मिलेगा। उसके बाद शहर वाले लोग जो लोग हैं उनको, अगर जैसे शहर या गाँव वाले कोई भी हो सकते हैं, अगर वो इनकम टैक्स भरते हैं तब भी आपको वापस करना ही है। और अब ये सब चीज़ें, अगर आप में से इनमें से एक भी कोई चीज़ है आपके पास तो आपको वापस करना है। और इसको निरस्त करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर देखिए आप एलिजिबल नहीं है तो अभी ध्यान रखिएगा, सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, तो आपको इन सब चीज़ों में लापरवाही नहीं करनी है। और मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ कि अगर आपको निरस्त कैसे करवाना है। तो चलिए आप सुनिए। जल्द ही हमारे सेवा अधिकारी को हस्तांतरित की जाएगी, कृपया लाइन पर बने रहिए। जी मैम, मैं ये जानना चाहता कि अभी जो राशन कार्ड निरस्त हो रहे हैं तो उनमें क्या क्या जो है चीज हो तो वो निरस्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ उसके बारे में डिटेल्स में बता दीजिएगा मैम। राशन कार्ड से उन व्यक्ति का राशन कार्ड निरस्त किया जा रहा है जिनके पास 3 मंजिल का मकान है, प्लस उनके 4 व्हीलर कार, AC कूलर, फ्रिज और गवर्नमेंट एम्प्लॉई या गवर्नमेंट पेंशन जी से बड़ा है, 5 एकड़ से अधिक जमीन है जी। तो राशन कार्ड सिलेंडर करवाना पड़ेगा, कोई सा लाइसेंस या फिर किसी यंत्र जी ऐसी कोई भी सुविधा है तो वो राशन कार्ड सिलेंडर होगा। अच्छा मैम, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन हो उसको, उसके पास ट्रैक्टर हो, है ना जी। अच्छा, और मैम वही चीज जैसे कोई व्यक्ति शहर का है तो उसके लिए, शहर का भी वही है जी। अच्छा मैम, एक जानकारी और चाहता हूँ कि अगर किसी के पास मान लो कोई किसान है और मतलब कोई पिता है और उसका जो है 5 एकड़ उसके पास जमीन है तो वो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन उसके जो बच्चे हैं उनके पास जमीन नहीं है तो क्या उनके भी निरस्त कर दिए जाएंगे? परिवार यदि बेटा पिता है और पिता के नाम पे 5 एकड़ जमीन है और बच्चे के नाम पे नहीं है जी,
जी राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है, फैमिली मेंबर्स है, जी ज्वाइंट फैमिली है, जी अलग नहीं है, तो जी राशन कार्ड सिलेंडर होगा सर। नहीं यदि नहीं अलग जैसे अलग जैसे है, जैसे अलग अलग हाँ नाम हाँ है जमीन, तो वो हाँ निरस्त नहीं होगा, नहीं तब नहीं नहीं क्या। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी के नाम जमीन है और मेरे नाम नहीं है, तो मेरा राशन कार्ड अलग है और पिताजी का अलग है, तो क्या मेरा भी निरस्त हो जाएगा पिताजी की वजह से, जबकि मेरे नाम तो जी बिल्कुल भी नहीं, नहीं है। आपका अलग राशन कार्ड यदि है तो आपका राशन कार्ड के आधार पर लिया जाएगा कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, वो अच्छा लिया अच्छा अच्छा जाएगा। अच्छा आपके जी जी पिताजी के नाम पे अलग है जी 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 अच्छा जी तो अच्छा जी उनका नाम अलग लिया, उनका राशन कार्ड अलग जो है बने बना होगा तो उनका अलग लिया जाएगा। अच्छा जी मैम, यदि ये हाँ हाँ ये राशन कार्ड खुद ही निरस्त होंगे या फिर हमें जाना होगा निरस्त कराने के लिए? अच्छा सर राशन कार्ड निरस्त करवाने के लिए कार्यालय में जाना पड़ेगा आपको। बिना जाए नहीं होगा। जी नहीं सर, अच्छा जी अच्छा जी, धन्यवाद मैडम। खाद्य विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली है जो भी मैंने बताया था, क्योंकि कुछ उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट थे जो मैं नहीं पूछ पाया, लेकिन मेरे को पहले पता था, मैंने पहले कॉल रिकॉर्डिंग। अब बात आती है कि निरस्त कैसे करें अगर आप इस कैटेगरी में आते हो। तब निरस्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो मुखिया का जिसका राशन कार्ड उसकी एक फोटोकॉपी, दूसरा मुखिया के आधार कार्ड की फोटोकॉपी और जितने भी मेंबर हैं उन सभी की फोटोकॉपी, एक ब्लैंक पेज लेना है, उस पर आपको एक एप्लीकेशन टाइप करना है। एप्लीकेशन में आपको जो है ये सब चीज़ें लिख देनी है कि हम इस वजह से और ये मतलब ये चीज़ों के हम अपात्र हैं, इस वजह से हम इसको वापस करना चाहते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं एक पूरा एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी बना के आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। और यही था आज की न्यूज, और अगर आपके पास ये सब चीज़ों में से एक भी चीज़ है तो आप तुरंत ही निरस्त करवा लीजिएगा। और मैं जल्द ही अगला वीडियो लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत 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 धन्यवाद।